हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 से। क्वेश्चन नंबर वन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें देखना है कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि आप पॉइंट के बाद 2, 3, 4, 5 के खत्म हो गए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि पॉइंट के बाद 2, 3, 2, 3, 2, 3 कंटिन्यू चलता जा रहा, ठीक है। अब लेकिन हमें इसको डिवीजन नहीं करना, हमें इसका क्या नहीं करना, डिवीजन देखे नहीं करना। तो हम देखेंगे जो हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यू को हम क्यू अगर हमारा 2n की पावर n इंटू 5 की पावर m में m की फॉर्म में आ जाता है। मीन्स अगर हमारा क्यू मतलब डिनोमिनेटर, अगर हम फ्रैक्शन में बोलें तो डिनोमिनेटर अगर हमारे इसमें आ जाता, इस फॉर्म में आ जाता 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, और नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंसिव नंबर होगा। टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद कुछ हद तक खत्म हो जाएगा, एक दो डिजिट के बाद बिल्कुल बिल्कुल रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंटिन्यू चलता चला जाएगा। अब देखो तो हम 3, 1, 2, 5 को हम तोड़ेंगे पहले, भाई 5 से 5 है तो 5 से जाएगा, ठीक है, ठीक है, 5, 6 जा 30, 1 बच रहा, 5, 2 जा 10, 5, 5 जा 25, फिर 5 से 5, 1 जा 5 यहाँ जा रहा, 5, 2 जा 10, 5, 5 जा 25, फिर 5 से 5, 2 जा 10, 5, 5 जा 25, फिर 5, 5, फिर 5, 1। अब देखो जब हम देख रहे हैं यहाँ, तो हमने क्या बोलता, हमारा पावर क्या, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, पर 2 की पावर तो यहाँ आ नहीं रही, इसका मतलब ये, लेकिन 5 की पावर कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ये इस पावर में आ रहा है, एक्चुअली 1 में तो आ रहा है, ठीक है, 2 में तो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन 5 में तो आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके, अब 8 देखो, 8 अगर हम करेंगे तो 2, 2, 4 जा 8, 2, 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2, ये भी आ रहा है बिल्कुल, 2 की पावर कितने आ रही, n में 2 की पावर कितनी है, 1, 2, 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर n हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा, जो भी हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, अब जैसे 4, 45 है, अब 4, 45 भाई 5 से जाएगा, 5, 9 जा 45, 5, 1 जा 5, अब ये 7 से जाता 13 और 13, 1 जा 13, देखो क्या आ रहा, 5 आ रहा, 7 आ रहा इंटू 13 आ रहा, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा 5 तो आ रहा है लेकिन 2, 3 नहीं आ रहा, क्या आ रहा, 7 आ रहा, 13 आ रहा, तो नॉन, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये खत्म नहीं होगा, चलता चला जाएगा। ओके, ऐसे नेक्स्ट 15 अपॉन 600 है तो 1600, 2 का करोगे 800, 2 का करोगे 400, 2 का करोगे 200, 2 का करोगे 100, 2 का करोगे 50, 2 का करोगे 25, 5 का करोगे 5, 5, 1 जा 5, भाई आ रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर कितनी है, 6 है इंटू 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2, तो ये भी टर्मिनेटिंग में आ रहा, भाई टर्मिनेटिंग में आ रहा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा। 3, 4, 3, 3, 4, 3 अगर इसको करेंगे तो 7 से जाता है, 7, 4 जा 28, ठीक है, और कितना बचेगा, 7, 4 जा 28 और कितना, 7 से नहीं जा रहा, 3, 4, 3, 7, 4 जा 28, 14 में से 6 कितना, 7, 6, 7, 9 जा, फिर 7 से आ रहा है 7, 7, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 7 की पावर 3 आ रहा, जबकि हमें क्या चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n में चाहिए, ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मीन ये खत्म ही नहीं होगी, चलता चला जाएगा, ठीक है। ये तो भाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर है, तो ये तो टर्मिनेटिंग में पहले से दे रखा है, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, यहाँ देखो, यहाँ 7 आ गया, 7 की पावर कितनी, 5 है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, 15 है, देखो अगर हम 15 को करेंगे तो 3, 5 जब 15 और 5, 1 जब 5, भाई 3 आ रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये चलता चला जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हमारा क्या है, 50 है, देखो 50 है नीचे, 50 का करके देखो, 2, 25 और 5, 5, 2 की पावर 1 आ रही इंटू 5 की पावर 2, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ओके, ढंग से हम इसको कर सकते हैं।